की एट्थ क्लास, आज हम सिक्स मई की डायरी में आपका 18 मार्च का मिसिंग लेक्चर डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 35 है आपका आज के लेक्चर में। टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। अब वो क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी है। इसका सबसे पहले होता क्या है कि जीन्स का आपको पता है कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स पे इंस्ट्रक्शन होती हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए या कोई भी जो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस बनाने होते हैं उसके लिए। जीन्स आपको पता है, जीन्स बेसिक स्ट्रक्चर है हेरिडिटी का और इस पर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। अब इन जीन्स को हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफ़र नहीं करने का मकसद क्या होता है? मकसद उसका ये होता है कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक है, यानी कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक है, ऐसी कोई ख़ास उसमें बात है जो हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी चाहिए, तो वो हम उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में करने के लिए जीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आइसोलेशन ऑफ जीन, आइसोलेशन होता है अलग करना ऑफ जीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्शन इनटू ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म से जीन लेके उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना यानी लगाना, कौन सा प्रोसेस है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसमें डोनर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो विच डोनेट्स द जीन, यानी जो जिसके करेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए होंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उससे हम जीन लेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? डोनर ऑर्गेनिज्म, जो डोनेट करेगा यानी देगा। उसके बाद ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा जो दूसरे उस वाले जीन को जिसमें हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शन है कोई स्पेसिफिक करेक्टर के लिए, ठीक है, तो वो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे, उस जीन को जो एक्सेप्ट करेगा ऑर्गेनिज्म वो होगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच एक्सेप्ट्स और कंटेन्स द फॉरेन जीन। फॉरेन जीन वो होता है जो उसका अपना नहीं होता, आउटसाइड बॉडी से आता है, ठीक है। ये आपकी डोनर ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है। अब इन दोनों में से डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन अलग करना और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में से ट्रांसफ़र करना या इंसर्ट करना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सादा लिखा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एडवांस टेक्निक, ठीक है, उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का भी बताया हुआ है और डोनर ऑर्गेनिज्म का भी। उसके बाद है बैक्टीरिया, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बैक्टीरिया को हम क्यों यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, इसके दो हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी बनेगा, व्हाई बैक्टीरिया आर मोस्टली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। दो पॉइंट्स हैं इसके, दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इसका सिंपल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जैसे आप लोगों ने एनिमल्स सेल पढ़ा हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं, उस तरह से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो दूसरी रीज़न है इसकी कि हम उसको वी यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसकी रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपके ब्लॉक में पॉइंट लिखा हुआ है, अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स विद इन 20 मिनट्स। आप लोगों ने ह्यूमन सेल की सारी रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन पढ़ी हुई है, इसी तरह बैक्टीरियल सेल में भी डिवीजन होती है। तो वो क्या होती है, आप इन 20 मिनट्स जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड कर जाता है, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, जिस तरह से आपने ह्यूमन सेल में या एनिमल सेल में देखा है कि न्यूक्लियस एनिमल या प्लांट सेल में देखा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सेल का होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है, ठीक है। इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। लेकिन क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो फ्लोट्स फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। वर्ण ये नहीं होता कि क्रोमोसोम, जिस तरह से आपने पढ़ा था कि सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे और वैसे उस टाइम पे शो होते हैं जब सेल डिवीजन हो रही होती है ह्यूमन सेल में, इसमें इस तरह से नहीं होता। इसमें क्रोमोसोम्स फ्रीली फ्लोट करते हैं यानी इधर उधर घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के अलावा जाहिर सी बात है क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए से मिलकर बने होते हैं, तो डीएनए भी क्रोमोसोम्स के साथ होता है। इसके अलावा एक एडिशनल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एक तो डीएनए हमारा क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होता है, इसके अलावा ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ये क्रोमोसोम्स हैं,
ये आपके सर्कुलर डीएनए एडिशनल डीएनए होता है, उसका एडिशनल काम होता है, अलग से काम होता है, इसलिए ये एडिशनल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब इसका प्लाज्मिड का क्या काम होता है, बेसिकली प्लाज्मिड में ही जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करनी होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है, प्लाज्मिड्स इन बैक्टीरियल यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, बेसिकली इनका ही काम होता है। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, होता क्या है कि हम प्लाज्मिड को आराम से आसानी से बैक्टीरियल सेल से अलग कर लेते हैं, उसके बाद इसमें जीन इंसर्ट हो जाता है। ये सारा जो प्रोसेस है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको आउटलाइन दे रही हूँ, ठीक है। वो प्लाज्मिड्स जो जीन जो भी डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक वाला होता है, हम उसको अटैच कर देते हैं प्लाज्मिड के साथ, और इसी प्लाज्मिड को जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या जिसने एक्सेप्ट करना होता है वो जीन उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मिड है वो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ फॉरेन जीन, यानी जाहिर सी बात है उसके साथ हमने जीन लगा के उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया है, तो इट एक्ट्स एज कैरियर, ठीक है। ये प्लाज्मिड का फंक्शन होता है। और वाई प्लाज्मिड्स आर इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मिड्स, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, बिकॉज ये एक्ट एज कैरियर ऑफ फॉरेन जीन, ठीक है। ये आपका बैक्टीरियल सेल का सिंपल स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपके बैक्टीरियल सेल का बताया हुआ है, और सेकंड पैराग्राफ में प्लाज्मिड्स का, यहाँ तक फॉरेन जीन तक। उसके बाद अनदर रीज़न ये मैंने आपको बता दिया है कि एक तो रीज़न इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, हम बैक्टीरिया को क्यों यूज़ करते हैं, और सेकंड रीज़न इसका ये होता है कि फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसकी वजह से वी यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसमें ये आपकी डायग्राम आपने होमवर्क में बनानी है, सिर्फ ये बैक्टीरियल सेल, ये क्रोमोसोम्स की डिटेल नहीं बनानी प्लाज्मिड की, सिर्फ बैक्टीरियल सेल, और इसको लेबल कर देना है। इसमें आपको जो भी नहीं समझ में आएगी आप क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं।